आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। यूपी सरकार के सरकारी स्कूलों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के दावों की पोल खोलने के लिए यह तस्वीर काफी है। आपको बता दें, अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौमुहा में बुधवार को सुबह कक्षा 6 की छात्रा राधा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। छात्रा के बेहोश होने पर स्कूल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्कूल स्टाफ ने बेहोश छात्रा को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद छात्रा को घर भेज दिया। स्कूल के अध्यापकों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते छात्रा अचानक बेहोश हुई है। आए दिन कोई न कोई छात्र भीषण गर्मी के चलते बेहोशी का शिकार हो रहा है। अब बात करें यूपी सरकार की, तो सरकार शिक्षा के नए आयामों को लागू कर बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर होने की बात कर रही है, जिसमें 5 सितंबर से यूपी में लॉन्च किए जा रहे प्रेरणा ऐप भी शामिल है। लेकिन महज एक ऐप लॉन्च करने से क्या शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बेहतर हो पाएगी? बड़ा सवाल है। यूपी सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई कारगर योजना क्यों लागू नहीं कर पा रही है? अब देखना होगा। छात्रा के बेहोश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मामले में क्या निर्णय लेते हैं। वहीं आप दूसरे वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा इलाके के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रा स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि गरीब और मजदूर वर्ग के लोग अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षित करने के लिए भेजते हैं या स्कूल की साफ सफाई के लिए? विद्यालय में तैनात कार्यरत शिक्षिका से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल आज छात्रा ने अपनी कक्षा में झाड़ू लगाई है, जबकि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रा कक्षा में नहीं बल्कि स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपए का बजट दे रही है, लेकिन स्कूल में सफाई के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या ये कहें कि आदेश के बाद भी विद्यालय में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। जबकि सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की बात विद्यालय में की जाती है तो सफाई कर्मचारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्कूल में सफाई का कोई शासनादेश नहीं है। प्रधानाध्यापिका, उनसे स्पष्टीकरण लेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करना पड़ा है। हालांकि हम व्यवस्था करवा रहे हैं सभी जगह पर, हमारे पास आदेश है पंचायती राज का भी, सफाई कर्मियों के माध्यम से सभी जगहों पर झाड़ू की व्यवस्था की जा रही है। वीडियो आपने देखा था, किस तरह का वीडियो था? हाँ, देखा है, उसमें एक बच्ची झाड़ू लगा रही है। हम टीचर का स्पष्टीकरण लेंगे और साथ ही साथ वहाँ व्यवस्था करवाएंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो।